नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, द सिंगरेनी कोलेरिस कंपनी लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है, तो जो कि दोस्तों ITI डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका दोस्तों फॉर्म भरने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट है इसका। देखिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों देख सकते हैं 15/5/2024 से भरा जाएगा और लास्ट डेट इसका 4/6/2024 रहेगा। ठीक, तो इसका दोस्तों नोटिफिकेशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, यहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट जॉब का, यहां पर आपको मिल जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024, टोटल 327 पदों पर ITI डिप्लोमा और डिग्री पास कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया है। नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर 02/2024। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड प्राइम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन SCCL। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेटिव कैडर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का E&M का E2 ग्रेड का 42 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम E2 ग्रेड के यहाँ पर 7 सीट है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर देखा जाए दोस्तों NCWA की तरफ से, तो जूनियर माइनिंग इंजीनियर यानी कि ट्रेनिंग JMET का TNDS ग्रेड सी का 100 सीट है। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग मैकेनिकल का TNDS ग्रेड सी का दोस्तों 9 सीट है। असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का TNDS ग्रेड सी का 24 सीट है। और फिटर टेक्नीशियन कैटेगरी फर्स्ट फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के यहाँ पर 47 सीट है ITI वाले कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट के लिए कैटेगरी फर्स्ट का 98 सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये क्या है कि इसको डेट को फिर से यहाँ पर रिशेड्यूल किया गया है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट था, लेकिन इसका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024, जो मैंने आपको पहले ही बताया 02/2024 के बारे में। इसका दोस्तों कहा गया कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये फॉर्म भरा जाता है, लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण इसको दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 15 मई 2024 से लेकर 4 जून 2024 को तक भरा जाएगा ये फॉर्म। देख सकते हैं इसको रिशेड्यूल किया गया है। तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दोस्तों डेट चेंज हो चुका है, बाकी नोटिफिकेशन यही है 02/2024 वाला। ठीक, तो आप लोग दोस्तों इसके बारे में एज क्राइटेरिया क्या है, तो मैक्सिमम 30 साल है, मिनिमम 18 साल आपका पूरा होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप SCCL के इंटरनल कैंडिडेट हैं तो कोई भी एज में बाउंडेशन नहीं है। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बना दिया गया है, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है, आप लोग दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको टाइमली मिलता रहे। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट के लेटेस्ट वाले सेक्शन में कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।